नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के टॉप 5 कंपनियों के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस गिरावट वाले मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन शेयर में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न बनेंगे, आपके लाख रुपये करोड़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो आईटी सेक्टर की जो लीडिंग कंपनियां हैं वो बार बार बोनस देती है। बार बार बोनस देने का फ़ायदा ये है कि अगर 1:1 का बोनस, हाई बार वो बोनस देती है 1:1 का, तो वो आपको 32 गुना आपके रिटर्न को कर देता है। तो अगर आप बोनस से रिलेटेड मैजिक को नहीं देखे हैं तो हम आई बटन पे वो वीडियो का लिंक दे देंगे जिस पे क्लिक करके आप बोनस के मैजिक को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मोटिव होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मोटिवेट करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सीखिए। यहाँ पर हम आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आपको किस प्राइस पर जो इन्वेस्ट करना चाहिए। और अभी जो आपको सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहे हैं, 50% का करेक्शन पे आपको स्टॉक्स उपलब्ध है। तो देख सकते हैं हमारी जो पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स है, ये पोर्टफोलियो के स्टॉक्स मैंने कल आपको बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देखिए। और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, 10,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का, 5,00,000 रुपये का, चाहे 10,00,000 रुपये का, ये सारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो जाइए इन वीडियोज़ को देखिए और सीखिए स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं, कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं अपने लॉस को मैनेज करने के लिए। और जो कंपनियां आईटी कंपनियां हैं इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके को लगातार बोनस देती है। तो इसके लिए आप अभी जो है स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन आता है तो ऐसे में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर ये सारे स्टॉक्स मिलते हैं। तो चलिए पांचों स्टॉक्स, जो पांच हम बेहतरीन स्टॉक्स लिखा है, पांचों को कंपैरिजन करेंगे कि पांचों स्टॉक्स में क्या खूबियां हैं और किस प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए और किस प्रकार आपको इन्वेस्टमेंट का अपना स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा विप्रो। दोस्तों, TCS हमारा आईटी सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स है, साथ ही साथ हमारे स्टॉक मार्केट के भी लीडिंग स्टॉक में से एक है TCS हमारा। लेकिन हम विप्रो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि विप्रो जो है ये ऐसा स्टॉक्स है कि जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा 1980 में, तो आज विप्रो में वो इन्वेस्टमेंट अरबों रुपये में कन्वर्ट हो चुका है। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है बोनस के रूप में। दिखने में आपको बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक लग रहा होगा लेकिन रिटर्न के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, ये लगातार बोनस भी दिया है। हम ऐसे भी वीडियो बनाए हैं कि सबसे ज़्यादा बोनस देने वाला, सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला, तीनों चीज़ एक साथ कौन से स्टॉक्स में मिलते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये आपको बोनस भी देता है, रिटर्न भी देता है, डिविडेंड भी देता है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कि 0.54% है, विप्रो का थोड़ा कम है। आप इन्फोसिस का देखेंगे बहुत ज़बरदस्त है, TCS का बहुत ही ज़बरदस्त है जो डिविडेंड यील्ड है। तो ये स्टॉक्स हमने पहली बार इसलिए आपको बता रहा है, मतलब आईटी सेक्टर में जो विप्रो है उसको फर्स्ट में लिया है कि ये जो है बोनस के रूप में इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को कि नहीं कहिए। तो देख सकते हैं ये स्टॉक्स जो हमारा बार बार देख सकते हैं, 2008 के क्राइसिस में बहुत तेज गिरावट आया था, उसके बाद अभी भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे आपको मिल रहा है। 300 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हुआ करता था, अभी आपको 184 रुपीज़ पर मिल रहा है। तो अभी आप पहला इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं और जैसे इसमें करेक्शन आता है तो आप दूसरा इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं। तो 150 पर अगर मिलता है तो आप इसमें जितना चाहे बाइंग कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक में से एक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका जो फाइनेंशियल है उसके बारे में। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, यहाँ पर हम फाइनेंशियल पर क्लिक किए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ विप्रो लिमिटेड 184 करेंट प्राइस है और इसका यहाँ पर नेट सेल्स देखते हैं। देखिए ये नेट सेल्स में लगातार इंक्रीज हुआ है। अभी तो आप देख सकते हैं जो सिचुएशन उसके कारण सबके सेल्स को प्रभावित किया है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं इसका सेल कितना ज़बरदस्त है। यहाँ देख सकते हैं 13,000 पिछले क्वार्टर के तुलना में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 13,000 है, पिछले था 12,695 और इस बार आया 13,127। देख रहे हैं नेट सेल्स में इंक्रीज हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। फिर यहां पर देख लीजिए ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज हुआ है नेट सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स में जो है या कहें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको भी देखते हैं कि वो इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट है, तो सब नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं। देख लीजिए नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जान रहे हैं कि जो पैंडमिक सिचुएशन है उसके कारण हर कंपनी का रिजल्ट जो है लगभग प्रभावित हुआ है। जो अच्छे कंपनी है उसका भी रिजल्ट फ्लैट आया है।
लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो देख लीजिए कितना प्रॉफिट ज़बरदस्त है, बहुत ही शार्प इंक्रीज है प्रॉफिट में, देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। और साथ ही इस कंपनी के ऊपर थोड़ा डेप्ट भी है, देख सकते हैं यहाँ से टोटल डेप्ट कंपनी के पास 5000 करोड़ का है, तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है, लेकिन कंपनी के पास एसेट भी देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी अपने डेप्ट को रिमूव करने में आगे कोशिश करेगी, और ये कंपनी आपको बोनस के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देता है, तो इसलिए इन कंपनियों का जो स्टॉक्स है वो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, तो इसलिए इन कंपनियों पर आप नज़र रख सकते हैं और इन कंपनियों को जो है आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पी रेशियो, क्योंकि हम एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए पी रेशियो को भी देखेंगे। पी रेशियो होता है कि आपको एक रुपया अर्न करने के लिए इस स्टॉक में कितना रुपया लगाना पड़ेगा, तो देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग, तो ये हमारा 12 रुपीज़ आपको एक रुपया कमाने के लिए इस स्टॉक में लगाना पड़ेगा अभी का जो करेंट प्राइस है उसके अनुसार। तो देख सकते हैं 12 जो है 12 हमारा बहुत ही अच्छा पी रेशियो है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी रेशियो देख सकते हैं 18 है, तो समझ सकते हैं ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। जो 12 होता है 11 होता है ये बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन होता है पी रेशियो का, देख सकते हैं 18 है हमारा, इससे डेढ़ गुना मतलब 1.5 टाइम्स है हमारा इंडस्ट्री का पी रेशियो, तो देख सकते हैं बहुत ही सस्ते पी रेशियो पर आपको मिल रहा है। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, दूसरा स्टॉक है हमारा इन्फोसिस में बार बार बोनस देता है, तो बोनस का आपको लॉजिक बताया ही, अगर 5 times बोनस देता है 1:1 का, मतलब अगर आप 10 years के लिए होल्ड करते हैं 10 years में 5 times बोनस दिया 1:1 का, तो आपके इन्वेस्टमेंट को 32 times मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब यहाँ चार्ट पर आप देखिए रिटर्न कितना दे रहा है हमारा इन्फोसिस, अगर हम 2005 से देखते हैं अभी 2020 तक, तो ये दे रहा है 552% का, लेकिन अगर ये 4 times बोनस दिया होगा 1:1 का, तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आप 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000% का रिटर्न हो जाएगा। समझ सकते हैं कि इतना बेहतरीन रिटर्न देता है हमारे आईटी कंपनियां। अगर 5 times 1:1 का बोनस दिया होगा 2005 से 20 तक, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न देता है हमारी जो आईटी कंपनियां हैं बोनस के रूप में। तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट भी कितना बेहतरीन है, देख सकते हैं इसका चार्ट देखेगा तो लगातार अप ट्रेंड में रहा है कंपनी, जो लॉन्ग टर्म पीरियड है उसके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार चार्ट जो है इसका स्लोप कितना बेहतरीन है, देख सकते हैं स्लोप एकदम स्लोप जो है बेहतरीन है, मतलब हमेशा इसका जो स्टॉक्स है परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पी रेशियो 17 का है, ये स्टॉक्स अभी आपको जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू पे मिल रहा है, देख सकते हैं 17.57, जबकि आपको दिखा इंडस्ट्री का जो है 18 है, और जो विप्रो है आपको मात्र 12 के पी पर मिल रहा है। तो ये इसमें आपको 1 रुपया अर्न करने के लिए इन्फोसिस में आपको 17.57 रुपीज़ लगाना पड़ेगा, और डिविडेंड यील्ड इसका शानदार है, मतलब ये कंपनियां डिविडेंड के रूप में भी ज़बरदस्त डिविडेंड देती है, 2.71% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड भी इस कंपनी का शानदार है। और अभी जो करेंट प्राइस है वो देख सकते हैं 683 रुपीज़, तो अभी ये रिजनेबल प्राइस पर मिल रहा है, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप इसमें लगा सकते हैं, और जैसे करेक्शन आता है तो आप दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, जैसे जैसे करेक्शन आता है आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, अभी छोटे छोटे क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कंपनियों में। चलिए हम आपको इसके जो फाइनेंशियल है उसको दिखाते हैं, देखिए फाइनेंशियल नेट सेल्स 20,000 करोड़ का, और जो पिछले क्वार्टर था उसमें भी 20,000 था, लेकिन पिछले क्वार्टर में था 20,064 करोड़ और इस बार है 20,187 करोड़, तो नेट सेल्स में इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं मार्च 2019 में 18,935 था, बहुत ही शार्प इंक्रीज है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 4,069 करोड़, ये है हमारा नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर का 2020 का, और जो पिछला क्वार्टर है दिसंबर में वो उसमें था 4,076, तो नेट प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। हर कंपनियों के रिजल्ट फ्लेट रहा है, जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, क्योंकि जो पैंडमिक सिचुएशन है वो हर कंपनी को इफेक्ट किया है।
उसके बाद देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस कितना शार्प इंक्रीज है, बहुत ही तेज इंक्रीज है देख सकते हैं प्रॉफिट में। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं, तो इन कंपनियों में ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद यहां पर पॉजिटिव साइन जो है देख सकते हैं, विप्रो के पास 5000 करोड़ का डेप्ट था, इन कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल जीरो है देख सकते हैं, यहां पर टोटल डेप्ट बिल्कुल जीरो, टोटल एसेट भी कंपनी का ज़बरदस्त है। उसके बाद हम चलते हैं वैल्यूएशन पर, तो वैल्यूएशन पहले ही बता दिए, इसका जो पी है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसका पी जो आपको मिल रहा है वो 17 का मिल रहा है, तो वहाँ पर जो अपडेटेड नहीं था देखने इसका पी अभी 18 का हो चुका है, 18.71, जबकि इंडस्ट्री का पी उससे कम है। तो ये ज़बरदस्त पी पे आपको मिल रहा है, तो मतलब स्टॉक जो है इंटरेस्टिंग वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे है, तो थोड़ा इसमें करेक्शन होने दें तब आप इसमें जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो अभी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट छोटे वैल्यू में लगा सकते हैं, जैसे करेक्शन होता है तब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी कंपनी हमारा TCS, हमारे स्टॉक मार्केट का जो लीडिंग शेयर है उसमें से एक है TCS, रिलायंस और TCS, ये दोनों हमारे स्टॉक मार्केट के बहुत ही बहुत अच्छे स्टॉक में से एक है, जो कि टॉप में या तो TCS या तो रिलायंस। तो देख सकते हैं हमारा अभी जो इसका करेंट प्राइस है TCS का वो है 1936 रुपीज़, और इसका रिटर्न देखिएगा तो कितना ज़बरदस्त है। ये भी कंपनियां बार बार 2005 से देख लेते हैं, तो यहां पर हमारा आ गया 2005, तो अभी तक मैं देख लीजिए इसका रिटर्न 1130%, और अगर ये दो बार भी बोनस दिया हो तो समझ सकते हैं कितना हो गया 4 times, तो 4000% का रिटर्न समझ सकते हैं, 2005 से अभी तक में 4000% का रिटर्न। तो ये है आईटी कंपनियां, और डिविडेंड यील्ड देख लीजिए कितना शानदार है 1.39%, तो डिविडेंड यील्ड भी शानदार है, 1% से अधिक का डिविडेंड यील्ड हो तो जनरली वो कंपनियां बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और आपको हम लेकर चलते हैं इसके बैलेंस शीट पर और जो वैल्यूएशन है उस पर, तो देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट पे आए हैं, तो इस यहाँ पर देख लीजिए नेट सेल्स 3040 करोड़ था, और इस बार जो हमारा है मार्च क्वार्टर में 33222, तो कुछ इंक्रीज हुआ है सेल्स में, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज है, लेकिन सारे कंपनियों के जो रिजल्ट रहे वो लगभग फ्लैट ही रहे हैं, तो और TCS का उससे तो बेहतर है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है, बहुत ही शार्प इंक्रीज है देख सकते हैं, 1000 करोड़ का सेल्स में इंक्रीज है, जबकि हमारा जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो रिजल्ट को इफेक्टेड किया है उसके बावजूद। वही नेट प्रॉफिट देखेगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है देख सकते हैं, तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके बाद जो सबसे पॉजिटिव साइन है देख सकते हैं, कंपनी का डेप्ट बिल्कुल जीरो है, उसके बाद टोटल एसेट भी कंपनी के पास बहुत ही ज़बरदस्त है देख सकते हैं, यहाँ पर 74000 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के पास। उसके बाद वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो इसका पी देख लीजिए बहुत ही हाई है, पी जो है इस कंपनी का वो है 21.83 देख सकते हैं, पी बहुत ही इंटेंसिव वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर है, क्योंकि अभी आपको 12 के पी पर भी बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, जैसे विप्रो हो गया आपको 18 के पी पर आपको इन्फोसिस मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन का आप इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री का देख सकते हैं, पी मात्र 18 है, और इसका जो पी है मतलब एक रुपया अर्न करने के लिए इसमें आपको 21.83 रुपीज़ लगाना पड़ेगा, तो पी थोड़ा इसका हाई है, तो थोड़ा करेक्शन का आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन तभी आएगा इन स्टॉक्स में जब मार्केट में करेक्शन आएगा, नहीं तो आप इसमें करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बेहतरीन स्टॉक्स है ये, तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट छोटे क्वांटिटी में लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा SCL Tech, दोस्तों जो टॉप 3 कंपनी आपने देख लिया, तो टॉप 4 पे हम आ चुके हैं, टॉप 4 में हमारा है SCL Tech जो चौथे स्थान पर, ये भी कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये भी कंपनी आपको अच्छे डिविडेंड देती है, साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे बोनस के रूप में भी रिटर्न ये कंपनियां भी आपको देती है। यहां से आप देख लेते हैं 2005 से अभी तक का रिटर्न देख सकते हैं, जब ये पेंडेमिक सिचुएशन नहीं आया था उससे पहले तो 1500% का रिटर्न दे रहा था ये कंपनी, समझ सकते हैं 1500%, अगर दो बार भी बोनस दिया हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6000% का रिटर्न, 6000% का रिटर्न अगर दो बार भी बोनस दिया हो, लेकिन हमको लगता है दो बार से ज़्यादा ये कंपनियां बोनस दिया होगा, तो आप वीडियो देख लेंगे बोनस वाला, बोनस का लॉजिक क्या है उसमें हमने बताया है कि सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली, डिविडेंड देने वाली और ग्रोथ वाली कंपनियां, तीनों का तीनों चीज़ आपको किन स्टॉक्स में मिलता है।
अब इसका बात कर लेते हैं। तो इसका करेंट प्राइस है 527 रुपीज़ और ये इसका जो 52 बिका है 623 रुपीज़। तो अभी आपको 100 रुपीज़ लेस प्राइस पर मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। जैसे करेक्शन आता है तो और ज़्यादा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि फाइनेंशियल ही कंपनी के ग्रोथ को व्यक्त करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, रिजल्ट कैसा है। तो अभी देखते हैं नेट सेल्स है हमारा इस मार्च क्वार्टर का 9057 करोड़ और जो पिछले क्वार्टर का था वो था 8654 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं नेट सेल्स में इंक्रीज हुआ है। उसके बाद देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है नेट सेल्स में। तो देखते हैं कंपनी लगातार अपने सेल्स को बढ़ा रही है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है मतलब जो पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि हम इस कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं 2500 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में। तो बहुत ही अच्छा साइन है कि इन कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनियां लगातार ग्रो कर रही है। उसके बाद डेप्ट देख लेते हैं तो जो ये भी पॉजिटिव साइन है, मात्र 160 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास जो कि निगलिजिबल है। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रॉफिट ही कंपनियों का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1000 करोड़ में है, तो वहाँ 160 करोड़ का डेप्ट मामूली डेप्ट है। और उसके बाद नेट एसेट भी देख लेते हैं कंपनी के पास बहुत ही बेहतरीन है 37000 का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अभी हमारा कंपनी का वैल्यूएशन इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे है या इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अभी पी रेशियो है कंपनी का वो 15.96 है। तो एक अच्छा पी रेशियो पर मिल रहा है हमें, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाया जा सकता है। क्योंकि इंडस्ट्री का जो पी है वो 18 है, तो हमें इससे टू रुपीज़ कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है स्टॉक। मतलब आपको इसमें SCL में एक रुपया अर्न करने के लिए 16 रुपीज़ लगाना पड़ेगा अभी। तो बहुत ही बेहतरीन पी रेशियो पर हमारा ये कंपनी मिल रहा है। तो अभी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं और थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं अगर मार्केट में करेक्शन आने की संभावना हो। तो इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे हम बताते रहेंगे मार्केट में करेक्शन आ सकता है या नहीं, या यहां से मार्केट हमारा ऊपर मूव करेगा या मार्केट में हमें करेक्शन देखने मिलेगा। उसके बाद चलते हैं पांचवें स्टॉक्स, पांचवा है हमारा NIT टॉक, पांचवा स्टॉक है हमारा NIIT टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, मतलब एक तरह से कहिए ये हमारा मिडकैप स्टॉक्स है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। इसका रिटर्न आप देखेंगे तो बहुत ही बहुत ज़बरदस्त है। देखते हैं 2005 से हम अभी तक का आपको रिटर्न दिखाते हैं जो पैंडमिक सीजन उससे पहले, तो 1500% का रिटर्न देखते हैं, 1500% का रिटर्न था इस कंपनी, ये कंपनियां दे रही थी। उसके बाद ये कंपनियों में आप देख सकते हैं 1500% का रिटर्न, और उसके बाद ये कंपनियां बोनस बहुत कम देती है लेकिन डिविडेंड बहुत ही अच्छा देती है, बहुत ही शानदार देख सकते हैं 2.14% का डिविडेंड। तो देख सकते हैं डिविडेंड बहुत ही बहुत शानदार है, ये कंपनियां भी बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ इसमें देखने मिला है। तो इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अभी इन्वेस्ट ना करें, इसमें करेक्शन का आप इंतज़ार करें। अभी आपको करेक्शन का इंतज़ार करना है 1000 या 1100 के आसपास आपको इसमें पहला इंस्टॉलमेंट लगाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो ये कंपनियाँ निश्चित है कि नीचे आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले ये कंपनियाँ आपको 1000 के प्राइस पर मिल रहा था अप्रैल के शुरुआत में, तो निश्चित है कि इसमें हम करेक्शन का वेट कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी कंपनी है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आता है तो ऐसी ऐसी कंपनियों में सबसे फर्स्ट गिरावट देखने आपको मिलेगा। उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ को देखना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनियों में जब ग्रोथ हो तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं नेट सेल्स है कंपनियों का मार्च क्वार्टर में 558 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में इससे 2 करोड़ ज़्यादा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का नेट सेल्स इंक्रीज नहीं हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं तो पिछले ईयर था इसी क्वार्टर में मतलब मार्च क्वार्टर पिछले साल का 547 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किया है नेट सेल्स, अच्छा इंक्रीज है मतलब अप्रॉक्स 11 करोड़ का। तो छोटी कंपनियों के लिए 11 करोड़ बहुत ही अच्छा होता है इंक्रीज नेट सेल्स में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट रहा है।
उसके बाद नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 117 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 135 करोड़, तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही डिक्रीज है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज है नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो लगभग डबल हो चुका है, ईयर ऑन ईयर बेसिस जो अर्निंग है लगभग डबल हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। उसके बाद डेप्ट देख लीजिएगा बिल्कुल जीरो है, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है और कंपनी के पास मात्र 4.5 करोड़ का डेप्ट है, तो डेप्ट निग्लिजिबल है, वो भी डेप्ट आधा हो चुका है पिछले क्वार्टर से, मतलब पिछले ईयर से। तो देख सकते हैं कंपनी के पास एसेट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2000 करोड़ का एसेट्स है। तो कंपनी का वैल्यूएशन आप देख लेते हैं कि हमारा कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं कंपनी का क्या हो रहा है, तो कंपनी का पी रेशियो देखिएगा बहुत ही बहुत अभी हाई है, जो हमारा इंडस्ट्री है उसके पी रेशियो की तुलना में 3 रुपया हाई पी पर मिल रहा है, मतलब 3.20 रुपये के हाई वैल्यूएशन पर ये कंपनियां मिल रही है, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से इसका प्राइस जो अभी ज़्यादा है, तो हम करेक्शन का वेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड शानदार है कंपनियों का पास। उसके बाद मार्केट कैप देख सकते हैं 9000 करोड़ का मात्र है, तो ये स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप भी नहीं हुआ, ये स्मॉल कैप कंपनी हो गया, मात्र 9000 का मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनियों में थोड़ा करेक्शन होने दें तब इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां ही सबसे ज़्यादा क्रेश होगी जब मार्केट में गिरावट आती है। तो ये 5 स्टॉक्स थे जो कि आईटी सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको ग्रोथ भी देखने मिलेगा, अच्छा डिविडेंड भी देखने मिलेगा, साथ साथ ये कंपनियां लगातार बोनस भी देती है, तो जैसे मार्केट में करेक्शन आता है तो अच्छे वैल्यूएशन पे आपको, मतलब इंटेंसिव वैल्यू से लो वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलता है, मतलब पी रेशियो जो है 15 और उससे लेस पे मिलता है, तो आप ज़रूर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।